और चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं इस वक्त की रेवाड़ी से आ रही है, जहां पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। रेवाड़ी का मामला है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। रेवाड़ी से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि होटल ले जाकर आरोपी ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने दबिश दी और उसके बाद इस आरोपी को धर दबोचा है। रेवाड़ी से बड़ी खबर लगातार आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर होटल में ले जाकर एक नाबालिग छात्रा के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। रेवाड़ी से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। होटल ले जाकर दुष्कर्म का आरोप आरोपी के ऊपर लगा है। हालांकि पुलिस ने बिना देरी किए हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे उसके किए की सजा मिलेगी कानून के मुताबिक। लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर से आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। रेवाड़ी का यह मामला, जहां पर बताया जा रहा है कि होटल ले जाकर इस नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ये एक बड़ी खबर आपको जो हम बता रहे हैं वो आ रही है रेवाड़ी से ही, 12वीं की छात्रा की आत्महत्या का मामला, और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रेवाड़ी का मामला है, छात्रा के साथ ही बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी छात्र पढ़ते थे, दोनों पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है, आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगा। तो रेवाड़ी से ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 12वीं की छात्रा की आत्महत्या का मामला, और इससे जुड़ी बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को, इस मामले में जो आरोपी थे दो, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के साथ ही बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी छात्र पढ़ते थे, लेकिन पुलिस ने अब इन्हें धर दबोचा है, दोनों पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया।